अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद आने वाली है, तो मैं भी उसी से रिलेटेड एक रेसिपी लेके आई हूँ, रोस्टेड लैम शैंक्स विद पुलाव राइस। इसके लिए सबसे पहले आप लैम शैंक्स ले लें, आपको जितनी चाहिए हो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। मेरे पास अभी तीन अवेलेबल थी, इस वजह से मैं तीन की रेसिपी दे रही हूँ, और उस हिसाब से आप अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लें बाकी सारी चीज़ों की। और मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन लगा के अच्छे से इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। कट्स के अंदर भी अच्छे से लगाइएगा, और इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए इसको कवर करके अच्छे से एक साइड पर रख लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें और इन लैम्ब शैंक्स को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जस्ट इसको कलर देने के लिए हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए ऊपर। थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी कलर दें और अच्छे से नाइस गोल्डन ब्राउन कर लें। इनको फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप इसको स्टीम करेंगे बाद में, ताकि जो मसाले इसके ऊपर लगेंगे कि वो स्टीम के ज़रिए वो पानी में ना सारे चले जाएं, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप मसाले लगा के इसको स्टीम करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर, तो वो सारे मसाले पानी के अंदर चले जाएंगे। आई मीन टू से कि सारे मसाले जो हैं उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो इस वजह से इनको पहले फ्राई करना पड़ता है। अब इसकी जो मेन मैरिनेशन है उसको नोट कर लें। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, और मैं भी वेट कर रही हूँ ताकि मेरा नेक्स्ट क्लिप चले तो मैं साथ में बोलूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ। और साथ में चाहिए होगा 4 टेबलस्पून ऑफ इमली पेस्ट, इमली का पानी। और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा साल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, 1/2 टीस्पून ऑफ ड्राइड कोरिएंडर पाउडर, और 1/2 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर। और ये मैंने मसाला लिया था तंदूरी मसाला, लजीज़ा का तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला, इन दोनों को मिक्स करके, तो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑफ इस मसाले के यूज़ किया था। और साथ में जाएगा 1/2 लेमन, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, और इनको शैंक्स के ऊपर अच्छे से लगा लें, इनके कट्स के अंदर अच्छे से लगा लें, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर चला जाए सारा मसाला और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। याद रखिएगा कि जितना टाइम इसको आप मैरिनेशन के लिए देंगे उतनी अच्छी ये बनेंगी, और अगर आप जल्दी जल्दी बना देंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और जितना आपसे वेट हो सकता है आप एक रात पहले ही ये कर लें मैरिनेशन, ताकि आप सुबह उठ के तो फिर इसको स्टीम करके तो एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें मैरिनेशन मांगती हैं, तो जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी तो उतना अच्छा बनेगा। अब इन शैंक्स को एक खुले से बर्तन में कन्वर्ट कर लें, ताकि जो मसाला बचता है वो भी इसके ऊपर डाल के तो अच्छे से कवर हो जाए, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मसाला कवर कर लें शैंक्स को, और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इनको 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके एक साइड पर रख दें, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए।
जितनी देर में मैं इसको कवर करके रखती हूँ उतनी देर में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इस बाबरकत ज़ुलहज के महीने में हम जितनी तस्बीह करें उतना ही अच्छा है, उतना ही सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता करें और हम सब के लिए ऐसे ऐसे वसीले बनाएँ कि हम अल्लाह ताला का घर देख सकें। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका स्टीम करने का है, उसके लिए सबसे पहले आप प्रेशर कुकर के अंदर पानी इतना लें कि जब आप इसके ऊपर स्टीमर रखेंगे तो इसके जो पानी का बॉयल आएगा वो शैंक्स को टच ना करें। और अब इसके अंदर साबुत गरम मसाला जार डालें ताकि इसका एक एक्स्ट्रा फ्लेवर सा आ जाए। और इसके ऊपर ये स्टीमर रख के छन्नी सी एक, ये प्रेशर कुकर के साथ ही आती है, तो इसके ऊपर रख के तो शैंक्स इसके ऊपर रख दें ताकि ये अच्छे से स्टीम हो के तो अंदर तक गल जाए। इसकी साथ साथ साइड्स चेंज करते रहिएगा और जस्ट इसके ऊपर ऐसे ही कवर करके रखना है। मैं इसको टाइम नहीं लगाऊंगी, जस्ट ऐसे ही कवर करके रख दें। इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पकने में, तो ये इंशाल्लाह जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। साथ में हम लोग अपने पुलाव राइस की तैयारी करते हैं, उसके लिए आप 3 से 4 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का स्लाइस्ड प्याज ले लें और इसको जैसे हम लोग नमकीन चावल बनाते हैं उस तरह ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन कर लें। मुझे इतना ज़्यादा कलर पसंद नहीं है चावलों का, तो मैं लाइट ब्राउन करती हूँ, डार्क ब्राउन नहीं करती मैं लाइट ब्राउन ही करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा कलर पसंद करते हैं चावलों का और कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं। मैं मीडियम कलर पसंद करती हूँ चावलों में। तो आप इस तरह प्याज ब्राउन कर लें, और फिर एक चम्मच अदरक लहसुन डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। जब ये फ्राई दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएं तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका कलर निकाल लें और फिर इसके अंदर बाकी मसाला जार डालेंगे, जिनमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑफ बिरयानी पाउडर, बिरयानी मसाला पाउडर। इन सब को अच्छे से फ्राई कर लें, भून लें। मैंने इधर पुलाव बिरयानी का मसाला डाला था, बिरयानी मसाला नहीं डाला था, पुलाव बिरयानी मसाला डाला था लजीज़ा वालों का, तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो साथ में एक चिकन तो नहीं है, इधर तो वेजिटेबल क्यूब मिलती हैं, तो पाकिस्तान में चिकन की मिलती हैं, इधर भी एशियन शॉप से मिलती हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से फिर मैंने वेजिटेबल क्यूब ऐड किए। अब इसके अंदर मैं 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल शुरू करने से पहले मैंने 2 ग्लास चावलों का धो के रख दिया था, फिर स्टार्ट किए थे चावल बनाने, इसी वजह से मैं इसके अंदर 4 ग्लास पानी ऐड किया है और इसको कवर करके उबलने के लिए रख दें। फिर बाद में जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो आप नमक, इस टाइम पर आप नमक चेक कर सकते हैं कि आपका नमक अगर तेज़ हुआ तो वो ठीक होगा, अगर कम हुआ तो वो चावलों में भी कम ही होगा। तो इसके अंदर आप चावल ऐड कर दें जो मैंने पहले से ही भिगो के रखे हुए थे, तो इसको कवर करके रख दें, तेज़ आंच पे रखिएगा, क्योंकि मैंने डबल पानी डाला चावलों से, तो इसलिए मैं तेज़ आंच पे मैं रख दूँगी। जब आप देखें कि इसका पानी ड्राई हो चुका है तब आप समझ जाएं कि इसको दम लगाने की बारी आ गई। इसको दम लगा के एक गीले टॉवल के साथ मैंने इसको दम लगाया, तो दम लगाने के बाद मैंने 10 मिनट का दम लगाया, क्योंकि मैं 10 मिनट का लगाती हूँ तो परफेक्ट चावल बन जाते हैं। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत चावल बने हैं, एक एक दाना कैसे अलग-अलग है। तो ये माशाल्लाह मैं सर्व कर रही हूँ, आप भी इसी तरह बनाएं, क्वांटिटी बेशक अपने घर के हिसाब से कर लें, तो बना के इंजॉय करें। और इसी तरह जब मैंने इनके ऊपर शैंक्स रखी तो और ही माशाल्लाह खूबसूरत लगने शुरू हो गया प्लेटर, और इन्जॉय करें इस ईद पर और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।